नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ऐसे में सक्सेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक्स, और ट्रिक्स जो मैथमेटिक्स में काफी यूजफुल है। ट्रिक्स में हम आने वाले सभी जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो रिलेटेड रहेगी मल्टीप्लीकेशन से, सिंप्लीफिकेशन से, क्यूब से, क्यूब रूट से, स्केयर से और स्केयर रूट से। तो आज की हम जो वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम स्केयर निकालने की एक ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसे सीखकर आप आंसर को 2 सेकंड में निकाल पाएंगे। देखिए जो ट्रिक है वो किसकी है, किसी भी नंबर का अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्केयर फाइंड आउट करना है, उसकी ट्रिक हम देखेंगे। तो हम जो स्पेसिफाइड जो ट्रिक चूज करने जा रहे हैं वो ट्रिक है, कोई भी नंबर 0 से 100 तक है और उसमें नंबर के लास्ट में क्या हो 5, उसका स्केयर हमको लेना है। जैसे 5, 15, 25, 35, 45। देखिए मैं आपको 2-3 कराऊंगा, उसके बाद आप साथ के साथ करना, इजिली आप 2 सेकंड में क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, इजिली आप 2 सेकंड में स्केयर आप निकाल पाएंगे। देखिए इसका तो आपको पता ही होगा, 5 का स्केयर 25, 15 का भी नियर बाय आपको पता ही होगा, याद कर रखा होगा, और 25 का यहाँ का। तो मैं यहां तक ही आपको ट्रिक डिस्कस करता हूं कि अगर हम बात करें कोई भी नंबर है 0 से 100 के बीच में और लास्ट में उसके 5 है तो उसका स्केयर कैसे निकालना है। आपको हर बार याद रखना है कि लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, स्केयर निकालते हुए लास्ट में क्या आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। अब ट्रिक देखते हैं, 15 की बात करते हैं। देखिए 15 हमने कंसीडर किया है, लास्ट में 5 है तो एक चीज हमको पता है कि 25 तो आना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, हर बार जो नंबर यहां पे होगा उससे नेक्स्ट नंबर, उससे अगला नंबर मल्टीप्लाई कर देना है और उसको यहां भी देना। यहाँ पे एक था, नेक्स्ट नंबर 2, 2 से मल्टीप्लाई की तो 20, 225 आ जाएगा। सिमिलरली इसका देखते हैं ये कैसे बना, लास्ट में 5 है तो क्या लिखेंगे, पहले 25, उसके बाद 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 625। तो आपको ये करने में 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लग सकता, आप इस ट्रिक से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर हम 35 के स्केल की बात करते हैं, 35 के स्केल की बात करते हैं, देखिए लास्ट में क्या लिखना है 25, अब 3 से नेक्स्ट नंबर क्या है 4, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 1225। दोबारा 45 का स्केल दिख गया आपको तो आपको पता है क्या करना है, इसके नाम का 25 तो लगाना ही है, 4 का नेक्स्ट क्या है 5, गुना करके लिख दीजिए 20, 25। देखिए 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लग सकता है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। देखते हैं आगे जो नेक्स्ट नंबर है उनको देख लेते हैं। जैसे 55 का स्केयर आपको करना है, देखिए 55 का स्केयर आपको करना है, 25 तो लास्ट में आएगा ही, 5 है, 5 से नेक्स्ट नंबर 6, मल्टीप्लाई करके 30 लिख दीजिए, तो ये इसका क्या आ गया, स्केयर आ गया। ऐसे ही अगर नेक्स्ट नंबर देखते हैं 65 का स्केयर करना है तो सिमिलरली है, यहाँ पे 25 तो आएगा ही, इसका नेक्स्ट नंबर 7 है, इनकी मल्टीप्लाई 42। ऐसे हम देख लेते हैं 75 का अगर आपको स्केयर करना है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही, 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 8 से। देखिए आप इन नंबर को कितनी फास्टली उनके स्केयर को आप क्या कर सकते हैं, गेट इट कर सकते हैं। जो ये ट्रिक बेस होती है ये बेस्ड है, ये है जो हमारा 10 हम बेस कंसीडर करते हैं कि दो नंबर का जो सम बन रहा है लास्ट वाला वो 10 बन रहा है, उस पर बेस्ड होती है। उसी पे बेस्ड ट्रिक पे हम और भी कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे। तो एक दो नंबर और देख लेते हैं, अगर नंबर 100 से ज्यादा है तो उसे कैसे करना है, अगर कोई नंबर 100 से ज्यादा है तो उसे कैसे करना है। जैसे आपको 115 का स्केयर करना है, ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो काफी लेंथी रहेगा, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कैसे करना है, लास्ट में वही 25 और 11 गुना में 12, फिर आपको ये गुना जल्दी करनी पड़ेगी अगर आप ये कर सकते हैं तो ये कितना होता है
132, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर। देखिए 100 से ऊपर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक एक अलग से है, जो इससे भी आसान होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं, जैसे 91 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा, 25, और 9 से नेक्स्ट नंबर 10, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आया 90। ठीक है बच्चों, आज की ट्रिक में इतना ही। आगे जो लेक्चर हम लेके आएंगे उसमें एक ट्रिक आपको और प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में मिलती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।